हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के बारे में, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण बिल क्या है। प्रदेश की बढ़ती आबादी की वजह से बहुत सी समस्याएं भी आगे चलकर बढ़ेंगी। ऐसे में सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून नीति के साथ इसे रोकने के लिए यह कदम उठा रही है। जनसंख्या की रोकथाम जरूरी है। समय समय पर सरकार इस दिशा में कई योजनाएं व कानून का गठन करती आई है। ऐसे में लोगों को ज़रूरत है कि वो इन कानूनों का पालन करें। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नई जनसंख्या नीति 2021 जारी करने की तैयारी कर ली गई है, ताकि लोग उससे जुड़ें और प्रदेश की उन्नति में साथ दें। हमारे देश में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में गिनती होती है, जो अच्छी बात नहीं है। अगर आप भी इस नए कानून के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें। यहाँ पर यूपी की जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून नीति से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। सरकार इस कानून को लागू करने से पहले एक और कदम उठा रही है। दिए गए उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून ड्राफ्ट में मुख्यतः जनसंख्या को रोकने के बारे में जानकारी है व उससे जुड़े नए कानून की जानकारी दी गई है। ऐसा ही एक नियम है जिसमें जिन परिवारों के दो बच्चे या उससे कम बच्चे हैं उन्हें प्रदेश सरकार से कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, वहीं दो से अधिक बच्चे वाले परिवारों को बहुत सी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। अधिक बच्चे होने पर आप सरकार द्वारा दी गई बहुत सी योजनाओं का लाभ लेने में असमर्थ हो जाएंगे। सरकार ने यह घोषणा विश्व जनसंख्या दिवस पर की है, ताकि लोग इसके महत्व को समझें। जो लोग जनसंख्या नियंत्रण में मदद करेंगे उन्हें भी इस नीति के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें। जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में यह एक सराहनीय विचार है। वहीं इसमें एक और कानून जोड़ा जाएगा, जिसके अंतर्गत जिन लोगों के दो से अधिक बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में आवेदन करने से भी रोका जाएगा। नियम अनुसार उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी जाएगी। यह नियम कड़े करने से ही लोग समझ पाएंगे कि जनसंख्या रोकना कितना ज़रूरी है। कुछ मुख्य बातें हम जानते हैं जनसंख्या कानून नीति के बारे में। जैसा कि सभी जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या एक चिंता का अहम विषय है। लोगों में इस कानून की सहायता से जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जागरूक किया जा सकेगा। हर परिवार में दो बच्चों के जन्म के बीच अंतराल होना चाहिए। जनसंख्या नीति से लोगों की बढ़ती आबादी को रोकने का प्रावधान लाया जाएगा। जनसंख्या बढ़ने से आगे चलकर बहुत सी दिक्कतें आने वाली हैं। बेरोजगारी बढ़ेगी। आज हम देखते हैं कि कुछ हजार नौकरियों के लिए करोड़ों युवक सूची में होते हैं, जिसका मुख्य कारण आबादी ही है। पहले जनसंख्या कम होने की वजह से आय के साधन भी अधिक थे, वहीं आज आबादी अधिक होने की वजह से प्रतिस्पर्धा में भी बढ़ोतरी हुई है। कानून की सहायता से उत्तर प्रदेश सरकार अब जनसंख्या को और अधिक न बढ़े यह एक कोशिश करने जा रही है। सरकार यह आशा करती है कि लोग इस बात को समझेंगे व इस दिशा में सरकार के साथ मिलकर कार्य करेंगे। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन मित्तल जी हैं, जिनका कहना है कि जनसंख्या नीति तो हर वर्ष आती है, परंतु इसके लिए कानून नहीं बनता, जिसकी वजह से लोग इन नीतियों का पालन नहीं करते। नीति के अनुसार आप अनुदान और प्रोत्साहन तो दे सकते हैं, परंतु प्रतिबंध या दंड नहीं दे सकते। अब इस दिशा में योगी सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। अगर यूपी जनसंख्या कानून लागू हो जाए तो अवश्य ही लोग इसका पालन करेंगे। यह कानून सख्त होने चाहिए, ताकि लोग प्रोत्साहित हों, या फिर मजबूरी में ही सही परंतु नियम का पालन करें। प्रदेश में अगर ये नियम लागू हुए तो इनके अंतर्गत लगभग 77 प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभ ऐसे परिवारों को नहीं दिए जाएंगे जिनमें दो से अधिक बच्चे हैं। वहीं जो लोग सरकारी नौकरियों में पहले से कार्यरत हैं उन्हें आगे चलकर मिलने वाली प्रमोशन लेने में भी दिक्कतें होंगी। वहीं अगर सरकारी नौकरी में होते हुए दो या दो इससे कम बच्चे हैं वे इस नियम के अनुसार नसबंदी कराते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, सरकारी आवासीय योजना में छूट व प्रमोशन जैसी सुविधाएँ मिलेंगी। वहीं जो अभिभावक सरकारी कर्मचारी नहीं हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं उन्हें बिजली, पानी, होम लोन, हाउस टैक्स आदि सुविधाओं में अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
और अगर किसी अभिभावक की एक ही संतान है और उस पर नसबंदी करवा लेते हैं तो उन्हें एक संतान के लिए 20 वर्ष तक मुफ्त इलाज, शिक्षण संस्था हेतु बीमा, शिक्षा और सरकारी योजना में भी प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक से अधिक शादी करने पर भी प्रावधान रखा गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे नागरिकों को भी जागरूक करें व महिलाओं के लिए समान रूप से लागू की गई है। जल्दी ही यह कानून लागू कर दिया जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारी जनसंख्या नियंत्रण बिल के बारे में। इसी तरह की इम्पोर्टेंट जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी से। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अपनी कीमती राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।